सम्मानित देश प्रदेश व समस्त विश्व के प्राणियों को धम्मचारिणी ललिता बोध की तरफ से प्यार भरा नमो बुद्धाय। जय अशोक, जय भीम। आदरणीय धम्म बंधु, आज मैंने जब कोरोना के कहर से सारे संसार में तांडव को देखा कि जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपना दम तोड़ा और लाखों की संख्या में कोरोना का संक्रमण पाया गया, इस महामारी को देख करके वैसे धैर्य तोड़ करके लोग पलायन को मजबूर हुए, जिसमें से स्त्री पुरुष जवान वृद्ध बालक शामिल हैं, जो कि 500 600 700 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए बेचारे भूखे प्यासे चले आ रहे हैं, भटक रहे हैं। देख रहे हैं सभी लोग, इस समय सारा विश्व बड़े संकटों से जूझ रहा है और इस समय न तो राम रहीम, ना ही ईश्वर, ना ही परमात्मा, ना ही मंदिर मस्जिद गिरजाघर में सभी भगवान छुपे बैठे हुए हैं। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, जप तप यज्ञ इत्यादि करते हैं, लेकिन इस समय किसी की रक्षा नहीं हो रही है। तो मेरा समस्त देशवासियों से कहना है, मैं बुद्ध कथावाचका धम्मचारी ललिता बौद्ध विश्व को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोरोना से बचने और लड़ने को हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं। एक समय की बात, वैशाली महानगर में जो इस समय ये वायरस फैला हुआ है कोरोना का, अकाल पड़ गया। महामारी की समस्या ने तांडव खड़ा कर दिया। लोग बड़े परेशान हुए। मेरे भाई बहनों, बड़ा यज्ञ किया, जप तप इत्यादि किए, लेकिन कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ। लोगों ने विचार विमर्श किया कि चलो बुद्ध के पास में जाएं, बुद्ध के पास में पहुंच करके हमारे सभी के मन को शांति मिलेगी और वो मार्ग बताएंगे। और बुद्ध के मार्ग से चल करके हर प्राणी का उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो वहाँ के लोगों ने बुद्ध को बुलाने का प्रस्ताव रखा। एक महाली के द्वारा भगवान बुद्ध को संदेश भिजवाया गया। तथागत ने उस समय माली को समझाते हुए कहा, वैशाली वासियों के मन में जो हमारे प्रति अंधविश्वास पैदा हुआ है कि बुद्ध यहाँ पर आएंगे और हम सभी का दुख दर्द अकाल से निजात मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना व्यर्थ है। दया भाव रखते हुए, माली की बात को रखते हुए वैशाली नगर में तथागत बुद्ध गए, सभी का दुख दर्द दूर किया और मंत्र उन्होंने दिया, अत दीपो भव विभव सड़ा बुद्धं शरणं गच्छामि। यानी कि मानव को बुद्धि और विवेक से काम को करना चाहिए, जो कि इस समय वर्तमान समय में हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यानी कि बिना बुद्ध का नाम लिए हुए बुद्ध का संदेश समस्त देशवासियों को दिया, बताया कि कोरोना को हराने के लिए करुणा को अपनाना होगा और ये करुणा क्या मतलब क्या होता है, यानी कि किसी की रक्षा करना, दीन दुखी को सहारा देना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, यही करुणा कहलाती है। दूसरी बात, बुद्ध के सिद्धांत से ही मोदी जी ने देशवासियों को
सचेत करते हुए समझाया कि इस महामारी से बचने के लिए कम से कम 3 फुट की दूरी बनाए रखें, न हाथ मिलाएं, न किसी के पैर छुएं, ना ही किसी के गले मिलें। यही सबसे बड़ा तरीका है। लेकिन ये बात तो मोदी जी ने अब बताई है, और ये बात भगवान बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष से पहले भी बताई थी। बुद्ध ने जो कि महान ग्रंथ जिसे सभी लोग जानते हैं त्रिपिटक, यानी कि बुद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में इस समय भी मौजूद है। पंचांग प्रणाम करते समय हर भिक्षुवा उपासक को 3 कदम की दूरी से नमन करना चाहिए। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम मार्गदर्शक भगवान बुद्ध के विचारों से ही संसार का भला होगा। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना है, नियम संयम करुणा मैत्री के साथ साथ अपना बचाव रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, बाहर ना निकलें, मौत को बुलावा न दें, कोरोना को हराने के लिए देश का साथ दें। नमो बुद्धाय करते हुए समस्त विश्व के देशवासियों को सुखी दीर्घायु भव, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी निरोग रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।